मथुरा जंक्शन से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कि एक साल की बच्ची के ऊपर से ट्रेन क्रॉस कर गई, लेकिन बच्ची की जान सही सलामत बची रही। यह घटना तब घटी जब बच्ची के पिता सोनू निवासी टिकट जेब से टिकट पैसे गायब हो गए, जिसकी सूचना देने के लिए वह ट्रेन से उतर रहे थे। उसी दौरान उनकी पत्नी को धक्का लगने के कारण बच्ची गोद से गिरकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई और देखते ही देखते पूरी ट्रेन बच्ची के ऊपर होकर निकल गई। लेकिन इसमें कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, बच्ची की जान सही सलामत है। बच्ची को बचाने के लिए आम नागरिकों ने भरपूर कोशिश की। इस नज़ारे को देखकर सभी लोग दंग रह गए। बच्ची का नाम साहिबा बताया जा रहा है। मैं आपका सोनू। सोनू कहाँ के रहने वाले हैं? टिकट के। क्या घटना घटी अभी? अभी ट्रेन पर लड़की गिर पड़ी, 2000 रुपये टिकट चली गई है मेरी। जी, बच्चा कैसे गिरा ट्रेन से? एकदम बाहर निकल के आया ना, हाथ पे एक लड़के ने धक्का मारा था, लड़की गिर पड़ी। आप ही का बच्चा है? हाँ, हमारा ही बच्चा। कितनी उम्र है? 1 साल। क्या नाम है? साहिबा। जी सर बताएं, बच्चा गिरने की कोई सूचना मिली यहाँ रेलवे से? क्या मामला था? जी ये घटना थी, आज ट्रेन नंबर 8508 समता एक्सप्रेस जो नई दिल्ली की तरफ से आती है, आगरा की तरफ जाती है, उसमें एक यात्री अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ यात्रा करने के लिए यहाँ से टिकट लेके घाट के जस्ट आगे वाले सामान्य कोच में चढ़ा था, लेकिन किसी कारण से चलती गाड़ी से पहले मर्द कूद गया, फिर उसके पीछे जो है उसकी पत्नी एक बच्चा लिए जो 1 साल का था कूद गई। वो भी बच्चा हाथ से स्लिप करके अनफॉर्चुनेटली वो प्लेटफॉर्म और गाड़ी के बीच में नीचे चला गया। गार्ड महोदय ने देखते ही जो तुरंत बैकअप लगा कर गाड़ी रोक दिया और ACP में तैनात हमारे आदमी दौड़ करके गए कि ACP हो गई है। जाने पर बच्चे को बाहर निकाल लिया था, उनको लेकर के आया, महिला बेहोश हो चुकी थी। सर ऐसा ही कौन सी वजह थी जिस कारण वो उसमें ट्रेन में से चलती ट्रेन से कूदे हुए? शायद उनका कोई सामान छूट गया था, बता रहे थे कि टिकट जिस पर्स में था वो पर्स उनको पॉकेट में नहीं समझ में आया तो वहाँ से कूद गए थे। बच्चे सही सलामत है, उनको चाय वगैरह पिलाया गया, महिला बेहोश हो गई थी तो उनको पानी के छींटे वगैरह मार करके उसमें लाया गया। दोनों सकुशल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उन लोग पूछने पर कि कहाँ जाएंगे, बोला कि हम वापस घर जाएंगे, आगे की यात्रा नहीं करेंगे, और अपने घर चले गए। ये लोग कहाँ जा रहे थे? झांसी की तरफ बता रहे थे कि झांसी जाना। NGT के आदेश के बाद जहां प्रशासन द्वारा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जिससे वाहनों का परिक्रमा मार्ग में आवागमन रुक गया है, वहीं परिक्रमा में चलने वाले टेम्पो चालकों में इससे खासा रोष व्याप्त है। इसी के चलते आज जतिपुरा अन्योर बड़ी परिक्रमा मार्ग में अन्योर गाँव के निकट सैकड़ों की तादाद में टेम्पो चालक एकत्रित हो गए और परिक्रमा मार्ग को जाम कर दिया। टेम्पो चालकों ने प्रशासन व NGT के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया व दोनों तरफ जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना पर गोवर्धन थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव मैं फोर्स मौके पर पहुंच गए और नाराज टेम्पो चालकों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया।